अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर का चीन की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है और चीन की विकास दर में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। ट्रेड वॉर का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिकी मीडिया में मंदी की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कुछ लोग मंदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मंदी देखने के लिए बेताब हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 सालों में अमेरिका की विकास दर नेगेटिव हो सकती है। इस अनुमान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही। मुझे लगता है कि मंदी ठीक शब्द नहीं है क्योंकि ऐसा शब्द है जिसे कुछ लोग और मीडिया की ओर से इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वो मंदी देखना चाहते हैं। मंदी आने की आशंका दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक तरफ जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंदी की बात को खारिज किया, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में 1% की कटौती पर भी विचार करने को कहा। साथ ही ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को कुछ प्रोत्साहन उपाय करने की भी सलाह दी। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, जर्मनी में निराशाजनक आर्थिक डेटा और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की अनिश्चितताओं से शेयर बाजार भी अस्थिर है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि साल 2008 के बाद अमेरिका फिर से मंदी की ओर जा सकता है और इसी मंदी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है।